Very good morning to all of you. In this video we will discuss about effect and complication of gallstone, very important topic for university exam और viva में भी ये question बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. तो basically यहाँ पे जो आप list देख रहे हैं ये थोड़ी लंबी list है, इसको हम लोग numeric बना के कोशिश करेंगे याद करने की. तो पहले तो A B C numeric से हम लोग बहुत सारा point इसमें ऐसे याद कर सकते हैं. A for acute cholecystitis, A for acute pancreatitis, A for acute cholecystitis. तो सराउंडिंग जो भी स्ट्रक्चर है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करा देना, तो आईटिस वर्ड खुद ब खुद वहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं. बी फॉर बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड बी फॉर बिलियरी कोलिक, सी फॉर क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस. तो इस तरह से ऑलमोस्ट 6 पॉइंट तो हमें याद हो गया. अब क्या हुआ, गॉल ब्लैडर का जो माउथ है वहाँ पे स्टोन आकर के उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया. तो अब जो गॉल ब्लैडर का सेक्रेशन है वो उसके विदिन रह जाएगा और वैसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूकोसील. और एक बार अगर वहाँ पे सुपर एडेड इन्फेक्शन हो गया तो हम लोग फिर उसको क्या बोलते हैं, इम्पाइमा ऑफ गॉल ब्लैडर. और अगर सुपर एडेड इन्फेक्शन हो गया तो जो गॉल ब्लैडर का वॉल है वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो कर रहा है वो वेरियस डिग्रेडिंग एंजाइम लिब्रेट करेगा, तो वहाँ पे हमें परफोरेशन देखने के लिए मिलेगा. तो इस तरह से ये जो पूरा लिस्ट है आप इजली याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट, एग्जाम में भी पूछा जाता है और वायमा में भी पूछा जाता है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए फॉर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, ए फॉर एक्यूट कोलेंजाइटिस एंड ए फॉर एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, बी फॉर बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, बी फॉर बिलियरी कोलिक. और एक पॉइंट और, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन के साथ साथ यहाँ पे आप इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन भी मेंशन कर सकते हैं. फिर अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो सबसे पहले हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, म्यूकोसिल. और सुपर एडेड इन्फेक्शन होने की वजह से हमें वहाँ पे इम्पाइमा देखने के लिए मिलेगा. और अगर इम्पाइमा हो गया तो फिर वहाँ पे जो पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है वो वेरियस डिग्रेडिंग एंजाइम लिब्रेट करेंगे और जो वॉल है उसमें हमें परफोरेशन देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, तो इस तरह से ये लिस्ट हम लोग बहुत ईजी याद कर सकते हैं. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस. तो जो कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस है आप लोग इसको आपके न्यूमेरिक से याद रखेंगे. ठीक है, A for appendicitis, A for acute pancreatitis and P for perforated peptic ulcer. और जो रेयर है उसे हम लोग मैप के निमोनिक से याद रखेंगे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, A for acute pyelonephritis and P for pneumonia of right lower lobe. तो इस तरह से ये लिस्ट बहुत ईजिली हमें याद हो जाएगा. तो अभी मैं भी फील हो रहा होगा क्या इतना निमोनिक बनाने का क्या ज़रूरत है ना, बट जब वाइवा में पूछा जाता है या एग्ज़ाम में आता है तो बहुत सारा पॉइंट मिस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत कम रहता है तो वहाँ पे डिराइव करने में थोड़ा कंसेप्चुअली थोड़ा टाइम लग जाता है. ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसे देखा. दिस इज ऑल अबाउट योर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस. थैंक यू.